गोधा प्रसाद, अरे की करता है, कहाँ जा रहा है? हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर। अरे बाबा, पर ऐसे कैसे? लेटे लेटे। अरे अरे हमारा बात तो सुनो। अरे पर ऐसा लेट लेट के, फिर खड़ा होके, फिर लेट लेट के, ऐसा ऐसा मंदिर का दर्शन करने क्यों जा रहा है तुम? किस लिए? हमारे बाबूजी के लिए, ताकि हमारे बाबूजी जल्दी होश में आ जाएं, इसलिए हमने मन्नत मांगी है। हम लेटे लेटे चिड़ियाघर से मंदिर तक जाएंगे। अरे बाबा, अरे पागल हो गया क्या? मतलब तुम चिड़ियाघर से यहाँ तक ऐसा लेट लेट के आ रहा है? अरे गजब, अरे गजब प्रसाद, ये तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा खतरनाक है। अरे अरे हमारा बात तो सुनो, हम तुमको ऐसा नहीं करने देगा। हम ऐसे दर्शन करने के लिए नहीं जाने देगा तुमको। हम बाबूजी के लिए कुछ भी करेंगे। और आपने हमको रोका तो हम आपको अपने साथ भी ऐसे दर्शन कराएंगे। अरे पूरा का पूरा पागल हो गया है तुम। अरे ऐसा करेगा तो तुम्हारा दम निकल जाएगा, समझा? तो हमारे बाबूजी में तो जान आ जाएगी ना। चाची, ये क्या कर रही है? अरे बेटा, मैं मूंग का पानी पिला रही हूँ, पर समझ ही में नहीं आ रहा मैं कैसे पिलाऊं। इसमें समझने वाली बात क्या है? स्ट्रॉ से पिला दीजिए। इजी, गुड। दादी जी स्ट्रॉ से कैसे पानी खींचेंगे? ये भी है। उड़ी बाबा, नागिन जी, मिट्टू जी, नमस्कार। नमस्कार। बाबूजी के लिए कटोरी में चाय? आप तो पापा की तरह चाय 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 बोल रहे हो। चीटी, मिट्टू जी ये चाय नहीं, ये मूंग की दाल का पानी है। क्या है ना, बाबूजी इसको पिएंगे तो उनके शरीर में फुर्ती रहेगी। अरे नौगिन, अरे अरे गजब हो गया। क्या हुआ? अरे वो गोधा प्रसाद। नहीं बुड़ी बाबा, गोधा प्रसाद? हाँ। अरे नहीं मिट्टू, तो फिर आपने ऐसे नहीं क्यों बोला? अरे हमारा मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहा है। तो? अरे हमारा कहने का मतलब है कि वो गोधा प्रसाद है ना, वो मतलब ऐसे लेटता है और फिर लड्डू रखता है और फिर आगे बढ़ता है, फिर लड्डू रखता है, फिर उठता है और फिर आगे बढ़ता है, फिर लड़ता है। जी, क्या बोल रहे, नहीं समझ में आ रहा। अरे एक सेकंड, ये पकड़, अभी अभी ध्यान से देखो, ऐसा पूरा लेटता है और ऐसा लड्डू रखता है और फिर खड़ा होता है और फिर एक कदम मंदिर की ओर बढ़ाता है और फिर ऐसा लेटता है। समझ गया, समझ गया, समझ गया। अरे तो वही तो समझा रहा हूँ। अरे बाबा, ऐसा करते करते अपने चिड़ियाघर से मंदिर की तरफ जा रहा है, ऐसे तो इनका दम निकल जाएगा। अरे उस बोका से हम भी यही बोला। अरे पर वो सुनता कहाँ है किसी की, हमारी कहाँ से सुनेगा? वो हमसे बोला कि हम बाबूजी का ठीक होने के लिए एक ठो मन्नत मांगा है और जब तक बाबूजी ठीक नहीं होगा तब तक वो ये सब करता रहेगा। मामा जी, मुझे अभी इनके पास जाना है। कहाँ है ये? अरे वो मंदिर वाला रोड है ना, वहीं पे है वो। मिठू जी, मैं ना जाती हूँ, आप बाबूजी के पास यहाँ रुकेंगे? हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ। तुम बाबूजी का ध्यान रखो। चलो नागिन चाची। हाँ। हाँ। हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ चाची। नहीं, तुम दोनों यहीं रुको, हमें भी आपके साथ चलना है। हाँ, हमें भी गोधा प्रसाद की बहुत फिक्र हो रही है। चीटी, गज, देखो बच्चों, तुम दोनों यहाँ पे रह के दादाजी की सेवा करो, मैं तुम्हारे गोधा भैया को जल्दी लेकर आऊंगी। हाँ। परेशान मत हो। हाँ बच्चे, ठीक है, चलो मामा जी, ध्यान रखो। हम बाबूजी को मूंग की दाल का पानी पिलाएगा। ये देखो, ये सब का सब उसी का हरकत है, ऐसे यहाँ लेट लेट के खड़ा होके लड्डू डाल के जा रहा है आगे, अभी रखता है आगे निकल गया। हाँ जल्दी चलिए।
भाई देखो। ये देखो पूरा लाइन बना रखा है लड्डुओं का। ये गड़ा है रे बोका। गदा प्रसाद देखा, रुक जाओ, सारा इसका हरकत है। गदा प्रसाद अभी समझाओ इसको। देखिए रुक जाइए। नहीं नागिन जी, हम नहीं रुकेंगे। और आपको भी हमारे बाबूजी की कसम, जो आपने हमको हमारे बाबूजी की कसम दी तो। अरे गोधा प्रसाद हमारा बात सुनो, हम तो अपना कसम दे सकता है ना, तुमको हमारा कसम बस। रुक गया। अरे बाबा, अरे हम अपना कसम वापस लेता है। अरे नागिन तुम समझाओ इसको। हाँ, अरे सुनिए आप, रुक जाइए आप, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात तो सुनिए आप। हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपनी मन्नत पूरी करेंगे बस। लेकिन इस तरीके से आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, आप मेरी बात मानिए। अगर हमारे बाबूजी सही होते तो हम बीमार होने के लिए तैयार हैं। हमारे बाबूजी की जी हालत हमारी वजह से हुई है, उन्होंने हमको अपना खून दे दिया। हमने भी चिड़िया अम्मा से वादा किया है, हम हमारे बाबूजी को कुछ नहीं होने देंगे। अरे लेकिन हम लेकिन नागिन जी, आप अगर हमारी जगह होती तो क्या करती? हेलो, दादाजी को होश आ गया। या, बाबूजी को होश आ गया। हाँ दादाजी, बाबूजी को होश आ गया। बाबूजी सांस लंबी लंबी लीजिए। सॉरी डॉक्टर साहब। कोई बात, आप आराम, मैं देखता हूं। हरि ओम बाबूजी। कपी उया कपी, आजा बेटा आजा। हरि ओम बाबूजी। बाबूजी दूर से ही पाए लागू। दूर से ही जीता रे बेटा। या अभी दूर से ही पाए लागू, पास चलिए ना, इतने दिनों बाद बाबूजी से मिल रहे हैं, चलिए। हरिओम बाबूजी।
हरिओम बाबूजी। जीते हरिओम बाबूजी। हरिओम बाबूजी तेरे बेटा जी। हरिओम बाबूजी। हरिओम। ये तो शाम बन गया। डॉक्टर साहब आप यहाँ क्या बात है? अरे आप लोग ऐसे चुपचाप एक दूसरे को देख क्यों रहे हैं? बताइए क्या बात है बाबूजी, बताइए ना क्या हुआ? आंटी आपकी टेंशन लग रही है टाइट। मछली इज ऑल राइट? हाँ मछली तो ठीक है, कॉलेज गया है। अच्छा वो कपी कहीं के तू रॉन्ग ट्रैक क्यों पकड़ रहा है? डॉक्टर साहब यहाँ चिड़ियाघर के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो मछली वहाँ अपने प्लेटफॉर्म पर तो ऑल राइट ही होगी ना। सॉरी बाबूजी, बताइए ना डॉक्टर साहब यहाँ क्यों आए हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या हमारे जाने के बाद किसी को कुछ हुआ? क्वेश्चन मार्क के ऊपर एक और क्वेश्चन मार्क। बेटा अब इस बारे में तो ये लोग ही ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मैं बताती हूँ पापा, तुझे तो खाने के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता है। तुझे तो हिस्ट्री की छोटी सी स्टोरी भी याद नहीं रहती। अरे तुम दोनों चुप रहो, मैं बताता हूँ। बूढ़ी बाबा रुको, हम बताता है। हाँ बताइए प्लीज। हाँ बताइए मिठू जी। गधा प्रसाद का खून काफी बह चुका है और हमें इमीडिएट 2 बोतल खून की आवश्यकता है। एक काम कीजिए, आप मेरा खून ट्राई कीजिए प्लीज। अगर आपने अपना खून दिया तो गधा प्रसाद तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी सेहत खराब हो जाएगी। ये जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार बाबूजी स्वयं हैं। मैंने उन्हें मना किया था कि आप गधा प्रसाद को खून मत देना, पर वो मेरी बात नहीं माने, जिसका परिणाम ये है वो सेमी कोमा में है। बाबूजी चलिए हम आपको कोमा से बाहर निकालेंगे। कहाँ है कोमा? अबे इतने कसके मुझे पकड़ेगा तो मैं तो वापस कोमा में चला जाऊंगा ना बेटा। अभी तो छोड़ दे, मैं कोमा से बाहर आ चुका हूँ। अरे छोड़। बाबूजी इतनी बड़ी बात हो गई और आप में से किसी को भी फोन पर अनाउंसमेंट करना जरूरी नहीं लगा? हाँ बाबूजी, हम लोग शादी का ब्रैकेट छोड़कर तुरंत वहाँ से आ जाते भागे भागे। डॉट। बेटा बात तो तेरी सही है, पर मैं ये नहीं चाहता था कि तुम लोगों को शादी बीच में छोड़कर वापस भागना पड़े। नहीं बाबूजी, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। हमारे लिए वो शादी ज्यादा मायने रखती थी कि आप और गधा प्रसाद। बताइए। हाँ बेटा बात तो तेरी भी सही है, लेकिन यहाँ पर गधा और मैं एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए थे ना। पर बाबूजी गधा प्रसाद है कहाँ? बात तो तेरी सही है, गधा प्रसाद कहाँ है? हम यहाँ पे बाबूजी। बाबूजी होश में आ गए हमारे बाबूजी। क्या हाल बना रखा बेटा? बाबूजी वो इन्होंने आपके ठीक होने के लिए मन्नत मांगी थी ना, इसीलिए। ताली दीजिए। अरे दीजिए ना ताली। देखा बाबूजी, अरे हमारी दवा के साथ साथ गधा प्रसाद की दुआ रंग लाई। तो अभी हम सोचा कि ये चमत्कार हुआ कैसे? चमत्कार?
चमत्कार। हाँ, हमने तो बाबूजी के ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दिया था। क्या? एकदम एकदम सच बोला मिठू तुमने, बिल्कुल सच। क्या बात कर रहे मामा जी, आपने भी बाबूजी के होश में आने की उम्मीद छोड़ दी थी? अरे नहीं नहीं घोटक बाबू, हमारा मतलब है कि ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अरे हम इस गधा प्रसाद को सचमुच का गधा समझता था, पर इस गधा प्रसाद ने भगवान के सामने मतलब मन्नत मांगा और उसको पूरा भी किया, और ठीक उसी वक्त हम लोगों के पास में बाबूजी के होश में आने का फोन आ गया। चमत्कार ही तो है ये, तो सच में चमत्कार है। डॉट डॉट डॉट, अरे और नहीं तो क्या, ये सबका सब अकेले गधा प्रसाद ने किया है। ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? आपने भी तो अपना खून हमारे अंदर डाला था और हमारी जान बचाई थी। अरे वो तो मैंने निस्वार्थ भाव से किया था, तुझे खून की जरूरत थी और मेरा खून तुझसे मैच कर रहा था, उसके बदले में मैंने किसी चीज की उम्मीद थोड़ी की थी। बाबूजी हमने भी ये निस्वार्थ भाव से ही किया है, हमको भी किसी बदले की उम्मीद नहीं है बेटा, इसीलिए तो तू शहंशाह है। सच्ची शहंशाह? आओ समझाता हूँ। ये देखो बेटा, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। मतलब अपने गधा प्रसाद ने निस्वार्थ होकर मन्नत मांगी और बिल्कुल बेपरवाह होकर उस मन्नत को पूरा किया, इसीलिए अपना गधा प्रसाद हुआ शहंशाह। ओ आप शहंशाह के बाबूजी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।